बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम मोहम्मद शकील मुरीर साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मोहतरम खालिद इकबाल मलिक साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ICCI फाउंडर ग्रुप, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कमेटी के अफराद, एक्सीलेंसीज एम्बेसडर्स, members from the diplomatic corps, distinguished guests, award winners, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सब लोगों की मेहनतों का कोई ना कोई recognition state की तरफ से कर रहा हूँ, और इस recognition की खूबसूरती ये होनी चाहिए कि आपको देखकर दूसरे लोग भी आगे बढ़ें और आपकी community के अंदर इस बात का शौक़ पैदा हो और कैफियत पैदा हो कि स्टेट भी रिकग्नाइज करती है आपकी खिदमात को। इसको समझते हुए कि यू आर डूइंग इट आउट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स, मैं उसके साथ साथ हुकूमत का काम यह है कि ऐसे रास्ते बनाए, ऐसी इमारतें बनाए जिसके अंदर बड़ी आसानी से ये मेहनत हो सके। उसी से रेलिवेंस, जब आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एस्टेट का मौका आपको और दिया जाए, वो उसी से मुतालिक है। तो मैं अवार्ड विनर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी मेहनत का, और ये कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 5,500 लोग तकरीबन या 6,000 लोग मौजूद हैं, उसको भी रिकग्नाइज करना चाहता हूँ। मगर एक दो चीज़ें, कुछ आपकी बात सुनूँगा, कुछ अपनी सुनाऊँगा, कुछ मुल्क के एतबार से गुफ्तगू कर लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि जहाँ दिल से यानी दिल की बातें आपस में कर ली जाएं। तो मैं जो आपसे ये कह रहा था कि मुझे जो कसर नज़र आती है, और मैं सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर भी ये बात करता हूँ कि ख्वातीन बहुत कम, इक्का दुक्का स्प्रिंकलिंग ख्वातीन के यहाँ पर है। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये नहीं है कि ख्वातीन बिजनेस में आना नहीं चाहती, या उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान एक रिग्रेसिव कंट्री है जहाँ पे औरतों के लिए रास्ता नहीं बन सकता। पाकिस्तान वो मुल्क है, उस ट्रेडिशन का फॉलोअर है जिसके अंदर बीबी खतीजा कारोबार करती थी। अच्छा, बीबी खतीजा अगर कारोबार करती थी तो वो इस तरह से नहीं था कि वो टेलीफोन पर बात कर लेती थी, किसी से मिलती नहीं थी, बाहर माशरे में नहीं जाती थी, माल के एतबार से, प्राइसिंग के एतबार से नेगोशिएट नहीं करती थी, है ना। यकीनन उस ज़माने की तिजारत के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन बेइंतहा ज़रूरी होगा ना, और कहाँ वो ज़माना और कहाँ आज का ज़माना कि हमने कुछ अपने जहनों के अंदर कल्चर की हवाले से ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें सवार कर ली हैं। तो इसको कभी कभी एफर्मेटिव एक्शन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। क्या हो सकता है एफर्मेटिव एक्शन? मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर असेंबली में, क्योंकि इस बात का इम्कान कम था कि औरतें खुद इलेक्ट होकर आएं, तो एक ख़ास प्रोपोर्शन औरतों की रिप्रेजेंटेशन का रखा गया, दैट इज़ एफर्मेटिव एक्शन। उनकी नुमाइंदगी दी गई ताकि औरतों के इशूज़ पर वहाँ पर बात हो सके। ये दूसरी बात है कि जो भी वहाँ पहुँचता है वो बहुत सारी और चीज़ों में पड़ जाता है, एक्चुअल इश्यूज के ऊपर इतनी मेहनत नहीं, मगर सिम्बॉलिकली नहीं बल्कि क्वांटिटी के एतबार से बहुत सारे ममालिक के मुकाबले पर औरतों की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अच्छी है, दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको ये ख्याल है कि माशरे के अंदर औरतों की सिक्योरिटी, या औरतों को ख्याल है कि औरतों की सिक्योरिटी और पब्लिक स्पेस इतनी नहीं है कि औरतें खुलकर कारोबार कर सकें, तो मैं आप लोगों से कहता हूं, जो एसोसिएशन ऑफ बिजनेसेस हैं, या आप लोग खुद अपना प्राइवेट सेक्टर की बिजनेसेस चलाते हैं, कि आप अपने खुद सिक्योर करें और अपनी फैमिली की बहू बेटियों को और अपनी बीवी को उसका हिस्सा बनाएं। व्हाट इज़, व्हाई कांट दैट हैपन? आप अपने औलाद को, लड़कों को तो इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना, लड़कियों को और डॉटर्स इन लॉ को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते अपने बिजनेस के अंदर?
सिर्फ ये कह देना कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, डजंट हैपन। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पता नहीं कब, आज से 75 साल पहले इस बात को कहा कि अपनी औरतों को इन्वॉल्व करें। हम हर वाला हर जगह लफाजी करते रहते हैं कि जी औरतों को तो हमारी शाना बशाना चलेंगी। शाना बशाना चलाते क्यों नहीं हैं आप? मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, ये तो प्राइवेट सेक्टर है भाई, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो फिर मैं जिम्मेदार हूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर औरत क्यों नहीं आ रही, मगर आप जिम्मेदार हैं कि प्राइवेट सेक्टर अंदर क्यों नहीं करें, क्या कबाहत है? एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई मीट यू कि व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दीज सिंपल थिंग्स, अफर्मेटिव एक्शन इन योर बिजनेस। उसी के साथ साथ जो मैं आपसे कह रहा था, मैं कुछ आपसे बातें और भी करना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट रेशियो औरतों का बढ़ाएं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने बड़ी प्रोग्रेसिवली ये काम किया है। मैं सियालकोट में ऐसी इंडस्ट्रीज से वाकिफ हूँ जिन्होंने 100% अपने बिजनेसेस को औरतों पर चलाना शुरू किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, बसिंग प्रोवाइड की, और 100% उनके वर्कर्स जो हैं वो ख्वातीन हैं, गारमेंट इंडस्ट्री है। तो आप भी अपने यहाँ इस चीज़ का मौका फराहम करें। दूसरे, मैं इसके साथ साथ हुकूमत ने भी एक और तबके के हवाले से आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिन तबकात का जिक्र नहीं होता है। एक डिसेबल्ड सेक्टर है और अच्छा खासा प्रोपोर्शन है पाकिस्तान में, यकीनन 6% लोग से लेकर 12% लोग डिसेबल्ड सेक्टर के अंदर हैं। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनका इन्वॉल्वमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है। आप अपनी अपनी इंडस्ट्री को देखिए कि आया आपने वो लिमिटेड गवर्नमेंट ने शायद 2-5% डिसेबल्ड सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त किया है, क्या आप वो फुलफिल करते हैं? और मैं इस्लामाबाद चैम्बर से दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप अगली मरतबा अवार्ड दें तो इन चीज़ों को भी वेटेज दें, है ना, कि कौन से आपके लोग इस सेक्टर को सुपरवाइज कर रहे हैं और कौन से हिस्सा ले रहे हैं। ये देखो, ये माशरे की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ये सोशल जिम्मेदारी है कि पूरा माशरा आपने उठाना है। क्या घर के अंदर भी ऐसा होता है कि जो बच्चा पीछे रह जाए तो आप उसको छोड़कर आगे भागते रहते हैं? नहीं, आप घर के अंदर अपने यही करते हैं। जिन घरों के अंदर इत्तेफाकिया ऐसा फूल एक डिसेबल्ड के तौर पर पैदा हो, उसको भी आप साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो मुल्क भी एक ख़ानदान है जिसका गम और जिसकी कैफियत और जिसमें हाथ पकड़कर चलना ये बड़ा ज़रूरी है। खैर, ये तो मैं आपके सामने बात रखा था स्किल डेवलपमेंट में मदद करना। देयर मेनी इंडस्ट्रीज हु डू दैट स्किल डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप ये समझें कि डिसेबल्ड फर्द उतना वैसे ही काम करेगा अपने जॉब के लिए मार्केट में गए जो दूसरा करता है, तो इसका इम्कान नहीं है। हर सेक्टर से आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ मतलब कुछ एरिया से। आपका बच्चा जो होगा, जो 9th की क्लास में होगा और जो 3rd क्लास उसके अंदर 2nd में या 3rd में होगा, सबकी परफॉर्मेंस लेवल्स डिफरेंट हैं। तो आप उस एतबार से अपने जॉब्स को भी आप टेलर करें इस एतबार से कि ख्वातीन आएँ, और अपने जॉब्स को टेलर करें कि डिसेबल्ड सेक्टर के लोग आ सकें। और अगर नहीं आ पा रहे तो आप लें और उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, दिस इज़ अप टू यू, ठीक है ना, टेक द सोसाइटी अलॉन्ग विद यू। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि माशाल्लाह आप लोग तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान की ज़रूरियात भी अजीब हम स्क्यूड हो जाती हैं, स्क्यूड हो गई हैं आजकल इस माना करके कि बजाय इसके कि हम मुकम्मल तिजारत की और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमारे ऊपर बड़ी आजमाइश ये आई हुई है कि डॉलर उसका फुकदान है, तो लिहाजा हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट ज़्यादा करना चाहते हैं, ये हमारी वक्ती ज़रूरत है। मगर हमारी कोशिश साथ साथ ये भी है कि अपने सारे सेक्टर्स को उठाएं, सबको एम्प्लॉयमेंट दें। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ अ सेक्टर जिसके अंदर हुकूमतों ने ये महसूस किया है कि अगर इसको इनक्रेज किया जाए तो होगा ये कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इसके अंदर एक्सपेंडिचर होगा। 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर वापस पैसा आ जाता है, क्योंकि देखो सरकार का एक काम है, माशाल्लाह मोहतसिब हमारे फाइनेंस के बैठे हुए हैं, सरकार का एक काम है कि लोगों से टैक्स करना और बाकी माशरे के लिए वो रास्ते तैयार करना कि जो आज तरक्की कर गए हैं उनकी औलाद में और एक अनपढ़ मजदूर की औलाद के अंदर तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हो जाएं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हो जाएं। सारी दुनिया का टैक्सेशन का निज़ाम की स्पिरिट यही है।
कि आप अपनी ज़िंदगियों में ये अख्तियार करें, अपनी मेहनतों से आगे जाएं, कोई नहीं रोक रहा, मगर आपको टैक्स कर कर इस बात का एहतमाम किया जा रहा है कि सबकी औलादों के साथ तालीम और एम्प्लॉयमेंट बराबर की जाए। तो अगर ये कैफियत है तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि वो हम पूरी कर भी नहीं पा रहे। हमारे यहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, ये जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर है। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा हुआ पिछले दिनों जब मैं लिंक कर रहा था मदारिस को और उलमा को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि देखो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, हमारी मसाजिद जो हैं वो फजर से जोहर तक खाली हैं, कोई तरीक़ा ऐसा अख्तियार करें कि वो भी इस्तेमाल हो जाए। तो लिहाजा एक बड़ा अहम पहलू है माशरे का जिसके अंदर हमने ये एहतमाम करना है। अच्छा, तो जब स्टेट के पास पैसा आए तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करे, वो इंडस्ट्रियल एस्टेट खरीद कर आपको दे, वो बहुत सारे काम करता है। और हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बात है कि अगर आप फाइनेंशियली देखें तो शेर शाह सूरी का ज़माना एक बड़ा यानी बिजनेस प्रमोटिंग ज़माना इस वजह से था कि उसने सड़कें बनाई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर पैसा डाला। तो पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें हैं जहां पर सारा पैसा चला जाता है, हलाल का वाला भी और मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी, और वो है रियल एस्टेट। तो आर्टिफिशियल एक बल्ज भी है उसके अंदर, सॉरी टू द पीपल रियल एस्टेट के हवाले से जिनको अवार्ड मिले, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो है, वह इत्तेफाक है कि सारा पैसा वहाँ पार्क हो जाता है, ब्लॉक मनी हो जाता है। लोग घर इसलिए नहीं खरीदते कि अपने लिए चाहिए, लोग घर इसलिए खरीदते हैं कि इन्वेस्ट करके पकड़ लो, और जब महंगा होगा वो बेचारा जो घर के इंतज़ार में वो तड़प रहा है, वो देख रहा है कि जी ये अपार्टमेंट 1 करोड़ का था, अब 2 करोड़ का हो गया, तो वो तो बेचारा इंतज़ार ही कर रहा है ना। तो खैर, पॉलिसीज़ हुकूमत को बनानी चाहिए इस माना कर कर कि जो ये रियल एस्टेट भी है ये, और मैं समझता हूँ हुकूमतें इस पर तवज्जो दे रही हैं कि इसके अंदर हाउसिंग, रियल हाउसिंग आए, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कैफियत हो। ज़रूर रियल एस्टेट बढ़ती रहती है, किस दिन कोलैप्स करती है आप मालूम है? एक दिन कोलैप्स कर जाती है सारी रियल एस्टेट, जिस दिन हम और आप कब्र का रुख करते हैं, ठीक है ना। बहुत थोड़ी सी रियल एस्टेट की ज़रूरत बाकी रह जाती है, बाकी सब आप छोड़ कर चले जाते हैं, है ना। तो वो उसका नज़र रखें। कुरान की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम जमा ही करते रहोगे जब तक तुमको कब्र नज़र नहीं आ जाती। तो कीप माइंड, यानी ज़िंदगी भी है, खूबसूरत भी है, पैसा भी बनाइए, मगर ज़रा अपना फोकस भी रखिए ना कि क्या फोकस रहना चाहिए, और ये अपने घरों के अंदर, ये अपने घरों के अंदर अपनी औलाद की तरबियत के अंदर और घर के सुकून के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आदमी दुनिया की तगो दो के साथ एक कनात की कैफियत भी कहीं ना कहीं पैदा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि यू गिव अप योर बिजनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप मेकिंग प्रॉफिट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्यूमुलेट करें और होल्ड करें, इसका यकीनन मतलब ये है कि आप ये सब कुछ करते रहें, मगर ये कि सारे माशरे को इन्वॉल्व रखें। एंड कंसंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव वेल्थ जिसके अंदर होल्डिंग करते हैं, मैं आपसे एक बात का जिक्र करता हूँ। मैं एक साहब थे जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी दुनिया भर में, और जब वो बीमार हुए तो उनको ख्याल आया कि अब कुछ कर लिया जाए, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें मुझे ज़िम्मेदार ठहराया कि मैं करूं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ मराबेया स्पेन में थी, पता नहीं कहां कहां थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं कोशिश करता रहा स्पेन के मुतालिक, पता ये चला कि जनाब जो कब्ज़ा कर गया वो कर गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। वो साहब भी, उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये कभी कभी ये सारी होल्डिंग वोल्डिंग जो है ना, ये सब बेकार भी हो जाती है। तो आप कोशिशें करते हैं कि औलाद को देकर जाएं, औलाद को अल्लाह ताला गाइड करे, कभी कभी अपनी इन कोशिशों के अंदर निगलेक्ट हो जाती है और नालायक निकल जाती है, तो आपकी मेहनत भी बेकार चली जाती है। तो लिहाजा जब प्रायोरिटीज़ घर में ठीक होंगी तो सारे में ठीक होंगी। लिहाजा मैं आपसे एक्सपोर्ट्स के हवाले से कह रहा था कि एक्सपोर्ट्स की ओरिएंटेशन हमारी है बहुत अच्छा है। आपने फरमाया कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आपको एक वाक़या का ज़िक्र करता हूँ कि रूस ने
एक ज़माने में नियत की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें हम, और उसने एग्रीकल्चर को डिस्करेज करके, बाकायदा डिस्करेज किया, बाकायदा डिस्करेज करके इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी। उससे नुकसान भी हुआ और इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली वो कूद भी गए, ये भी अच्छा हुआ। विदाउट डिस्करेजिंग आइदर ऑफ दोज टू सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, पाकिस्तान के लिए दोनों ज़रूरी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीन चार किस्म की ट्रेनें हैं। एक, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्रेनों में सफ़र किया होगा, मैंने भी बहुत किया। एक एक्सप्रेस ट्रेन कहलाती थी, एक तेज़गाम टाइप की ट्रेनें होती थी, और फिर पाकिस्तान में नहीं आई मगर बुलेट ट्रेन है। अब किसी जगह किसी मंजिल पर आपको जाना है, और मंजिल आपकी क्या है? एक तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान, जो अपने माशरे के अंदर इंसाफ करता है, जो अपने पुरअमन अंदाज से चलता है, जो कॉमिटी ऑफ नेशंस के अंदर पुरअमन रास्ता अख्तियार करना चाहता है, जो किसी एक ग्रुप के अंदर नहीं जाना चाहता, वो अपनी इंडिपेंडेंट डिग्निटी के साथ चलना चाहता है। तो लिहाजा जब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हों तो तरक्की याफ्ता मुल्क के लोगों को क्या अपनाना चाहिए? सबसे तेज ट्रेन, अगर बुलेट ट्रेन मिल रही हो तो सबसे तेज ट्रेन पर सफ़र करें। तो मैं आपको, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग माशरे को जानते हैं, आप ताजर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते हैं, यानी यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डेवलपर है, वो देखेगा कि यार ये ज़मीन जो है इसके पास से सड़क गुजरने वाली है, मैं इसको इस ज़मीन को अक्वायर करूँ, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश करते हैं। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंटेलेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस ट्रेन में हमको सवार होना चाहिए जो तालीम की, जहाँ मेरा तो गम जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से शुरू होता है, फिर जिस स्कूलों के अंदर वो बच्चे मैट्रिक और मिडिल तक गए, उनके ऊपर भी मेरा गम है कि उनको स्किल्स इम्पार्ट की जाएं। हम रॉ लेबर एक्सपोर्ट करते रहे हैं, हम तो बदनसीब वो हैं जिन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करके सारे बेहतरीन तरबियत करने हमने उनको एक्सपोर्ट कर दिया 70-80-90 की दहाई के अंदर। यू कांट इमेजिन कितना नुकसान हुआ मेरे मुल्क का, इतने अच्छे लोग बाहर भेज दिए हमने, और आज हमें ज़रूरत है और उन सेक्टर्स के अंदर हमारी मांग है कि ये इंजीनियर्स हों और ये सब कुछ हों। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब फास्टेस्ट गोइंग ट्रेन इज़ द ट्रेन ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे कोई भी हो, उसके उस ट्रेन पर सवार होना चाहिए। तो मैं, जब आप अपने यहाँ चीज़ों को प्रमोट करें तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने बड़ी मेहनत करके, माफ़ कीजिएगा, मेहनत करके आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हैंडल किया, मगर जो मेरी पहली गुफ्तगू थी औरतों के एतबार से, चाहे वो फिगर सही हों या गलत हों, मगर देर नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम रियलिटी कि दुनिया के अंदर सेकंड लोएस्ट पाकिस्तान। कितने अफसोस की बात है यार, यानी मुझे शर्मिंदगी, ये माशाल्लाह डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, हमें ये अंदाज़ा कि जनाब हमें कितना ऊपर जाना है, सेकंड लोएस्ट इन द वर्ल्ड, हाउ कैन दैट बी। ये वो रिग्रेसिव माशरा बन गया जो प्रोग्रेसिव माशरा था। प्रॉपर्टी राइट्स, इस्लाम में 1500 साल पहले औरतों की प्रॉपर्टी राइट्स का तायुन हो गया, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं। मैं बहुत जगहों पर कह चुका हूँ कि यूरोप के अंदर मिसाल के तौर पर बड़ा प्रोग्रेसिव 20th सेंचुरी के शुरू में 1905 या 1910 के अंदर इंग्लैंड के और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लॉ बदले, वरना उससे पहले यह था कि तुम्हारा औरत का माल उसके मियाँ का माल, औरत की इनहेरिटेंस मियाँ को जाती थी, औरत को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलती थी, और अगर कोई कमाती थी तो वो मियाँ की प्रॉपर्टी होती थी। वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए, और जब ही वो तरक्की कर रहे हैं, और हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए, तो लिहाजा अपने अंदर देखना चाहिए। इसलिए मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ, जैसे आप अब लीडर्स हैं अपनी कम्युनिटी में, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि सियासी लीडर्स हैं मुल्क के, जो मुल्क को डायरेक्शन देते हैं। लिहाजा अच्छी डिसीशन मेकिंग बेइंतहा ज़रूरी है मुल्क के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हर लेवल पर अच्छी डिसीशन मेकिंग मुल्क को आगे ले जाती है। मैं उसकी तरफ फिर आऊँगा, मगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपने बेहतरी हासिल की, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जो बाहर से आ रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये आपके लिए भी है। मगर कल परसों मैंने एक खबर पढ़ी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, आपने रिकोडिक का मामला पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले,
हमने फैसले किए, जिस यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि रिको डिक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, हम लिटिगेशन में, आर्बिट्रेशन में, इन सब चीज़ों में गए, $11 अरब का हमारे ऊपर हर्जाना हुआ, $6 अरब का अभी तय हुआ नेगोशिएट करके, अभी काम नहीं शुरू हुआ 20 साल के नुकसान के बाद, यानी काम जब भी शुरू हो जाता 20 साल के नुकसान के बाद आज काम नहीं शुरू हुआ, आपकी गर्दन में जुर्माना पड़ गया $6 अरब का, तो गलत फैसले हैं। पाकिस्तान स्टील मिल मिसाल के तौर पर नेशनलाइज हो रही थी, वो प्राइवेटाइज हो रही थी, नहीं हो सकी, अरबों रुपए हम उसके भुगतते रहे। तो हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आज ये लाजमी है, चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, सब अंडर टेस्ट है। ये जो मैं आपसे एक बात करना चाहता था, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंसी विच इज़ ए पोलिटिकल एंड नॉन पोलिटिकल, के डेमोक्रेसी इज अंडर टेस्ट पाकिस्तान की, कि कम से कम वो करप्ट कैफियत से निकल जाए। अच्छा, जमहूरियत के अंदर करप्ट कैफियत बहुत जगहों पर आती हैं, इंटरनेशनल लॉबीज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग अफेक्ट डेमोक्रेटिक डिसीजंस एंड दैट्स ट्रू एवरीवेयर एल्स, मगर करप्शन दुनिया में हर जगह है। मगर जब हम बात करते हैं कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, तब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कि यहाँ करप्ट इंस्टीट्यूशन, करप्ट डेमोक्रेसी को करप्ट ना किया जाए। तो डेमोक्रेसी इज अंडर टेस्ट, जुडिशरी इज अंडर टेस्ट, मैंने आपको दो इंसिडेंट्स बताए, ब्यूरोक्रेसी इज अंडर टेस्ट, के फास्ट डिसीजन मेकिंग हो, जितनी स्लो डिसीजन मेकिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर अगर आपने मुझे पहले नहीं सुना तो 2-3 किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ, कि दुनिया एक्सपोनेंशियल चेंज पे जा रही है और हमारी डिसीजन मेकिंग लीनियर भी नहीं है, स्लो है। और उसके अंदर हेनरी किसिंजर और एरिक श्मिट की एक किताब है, पीटर डायमंडिस की एक किताब है, अजीम अजहर साहब की किताब है, जो मैं चाहता हूँ कि ओपिनियन मेकर्स और डिसीजन मेकर्स पढ़ें, कि दुनिया के अंदर डिसीजन मेकिंग शुड बी फास्ट। मुझे लोग कहते हैं एक जगह पर, कल परसों भी मैं गया था, लोग कहते हैं कि जी जो पॉलिसीज हैं वो चलती रहें, वी डोंट केयर अबाउट चेंज इन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स पॉलिसीज मुल्क की चलनी चाहिए, मगर कोई एक पॉलिसी पर इत्तेफाक करके आप चलना चाहें तो पॉलिसीज तो हर चंद महीनों बाद बदलती है ना। आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आप इस बात को मिसाली तौर पर समझ जाएंगे कि अगर मार्केट के अंदर आपने इस लेवल पर कारोबार करना था या मार्केट से चीज़ें उठानी थी या बेचनी थी, जब मामला चेंज हुए तो आप विद इन अ मंथ, क्या विद इन डेज आप अपनी पॉलिसी बदलेंगे? डॉलर का ये रेट हो गया, विद इन डेज आप अपनी पॉलिसी बदलेंगे? तो व्हाई कांट द गवर्नमेंट, के पास भी डायनामिक पॉलिसीज होती हैं, तो पॉलिसी इस तरह से कंटिन्यू ही होती। तो जहां मैंने आपसे कहा ब्यूरोक्रेसी अंडर टेस्ट, उसी के साथ साथ लेट मी टेल यू पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स इज अंडर टेस्ट, अ डेफिनेट टेस्ट। ये बड़ी अहम बात आपसे कर रहा है कि इट इज़ अंडर टेस्ट, इट हैज़ टू राइज टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो नहीं सकता कि लोगों की एस्पिरेशंस कुछ हों और सियासत में कुछ और हो रहा हो, यही समझिए यही प्रॉब्लम हमारा हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट इज अंडर टेस्ट, मीडिया इज अंडर टेस्ट, कि हाउ रिस्पॉन्सिबल कैन दैट बी। मैंने एक जगह पर कहा कि आपका उस्ताद कमाल है, आपकी वैल्यूज़ का उस्ताद अब मीडिया बन गया है। रोज़ाना हम शाम को जो तजिया निगार हैं उनके तजिए सुनकर हम अपनी मोरालिटी और अपने अकदार का को अपनाते हैं। अकदार का तो कल्चर से, माशरे से, मज़हब से, ह्यूमैनिटी से लिंक है, आपके कुरान से अकदार का लिंक है, मगर जब आप सारी अकदार और आपकी औलाद की अकदार, आप तो फिर भी उस एज से निकल गए कि अकदार अपनी बदलें, आपकी औलाद की अकदार जो है आपने मीडिया के हवाले कर दिए, आसान है ना कि वो मीडिया देखो और वहाँ पर हो, तो एवरीबॉडी इज़ अंडर टेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ट्राइंग टाइम है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ आप यकीनन आप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने ऊपर फोकस करती है, मगर ये मामला उससे कहीं ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और हम एक्सट्रीम पोलराइजेशन से एक मतलब निकल चुके हैं। हमने जो अपनी दहशतगर्दी का मुकाबला किया तो हम पोलराइजेशन से निकले हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और यहाँ माशाल्लाह डिप्लोमेट्स भी हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा पड़ोसी मुल्क एक्सट्रीम पोलराइजेशन में जा रहा है।
और दुनिया उसको रोक नहीं रही जितना रोकना चाहिए। ये बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया में एक डीजेनरेशन हो रहा है, है? उसमें ये मैं एक मिसाल है मेरी तरफ से कि दुनिया मोरालिटी की दुनिया अब कमज़ोर पड़ती जा रही है और वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया की ताकत और आर्गुमेंट्स बढ़ता चला जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया। तो लिहाजा दुनिया को भी वापस एक ह्यूमैनिटी की मोरालिटी हो, अकदार की मोरालिटी पर आना पड़ेगा। इंडिया अगर कुछ रुका तो इस वजह से नहीं रुका कि वेस्ट ने उसके साथ कुछ कहा। इंडिया अगर रुका तो उसके मेजर ताजरों ने जब कहा, दोहा ने कहा, जब सऊदी अरब ने कहा, तो वो रुके। आप समझ रहे हैं बात को? तो लोग अगर कहीं आंखें मीच लें और कहीं ज़्यादा एतराज़ करें, ये पाकिस्तान के लोग जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि किसी के लिए ज़्यादा फिक्र हो और किसी के लिए कम फिक्र हो। मैं मिसाल के तौर पर बड़ा खुश हूँ इस बात से, अफसोस मुझे है कि यूक्रेन की जंग हो रही है और हम चाहते हैं अमन आए, और खुशी इस बात की है कि यूक्रेन के महाजरीन को यूरोप ने एक्सेप्ट किया। और मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के सारे महाजरीन एक से नहीं होने चाहिए, चाहे वो ब्लू आइड हों, गोरे रंग के हों, या काले रंग के हों, या मुसलमान हों जो सीरिया से भाग रहे हों। सारे महाजरीन के लिए एक सा सुलूक दुनिया तलाश कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इस बात को हम और आप सोचें, उस एतबार से मुझे बड़ी फिक्र रहती है कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। तो मैं पिछले दिनों जिक्र कर रहा था कि मैंने एक किताब इस हवाले से पढ़ी, फ्रांसिस फुकुयामा की, दी एंड ऑफ हिस्ट्री। उसमें उसने कहा, जनाब सिर्फ दो चीज़ें थीं और एंड ऑफ हिस्ट्री इस वजह से कि ये दो चीज़ें तय हो गई। क्या चीज़ें तय हो गई? एक ये कि जमहूरियत तय हो गई, क्योंकि मुशावरत सब करते हैं अब, चाहे जैसी हो, पार्लियामेंट्री हो, यानी प्रेसिडेंशियल हो या मोनार्की के नीचे हो, मगर मुशावरत वाला ज़माना आ गया, ये तय हो गया। दूसरे कैपिटलिज्म तय हो गया। क्यों तय हो गया? इसलिए तय हो गया कि तिजारत सबने करनी है, है ना, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म उस माना करके डिफीट हो चुका, लिहाजा दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। बट देन कम्स अलॉन्ग सैमुअल पी हंटिंगटन, हु राइट्स द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड ही मेंशंस सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस, जिसको बड़ा शौक था कि सिटी स्टेट बनाऊंगा मैं, बननी चाहिए, और सिटी स्टेट के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, और दूसरी चीज़ तिजारत होनी चाहिए। तो उसके शागिर्द ने उसको पूछा कि क्या बस? उसने कहा नहीं, एक थाइमॉस, उसने लफ्ज थाइमॉस का इस्तेमाल किया, एक थाइमॉस होता है, पैशन होता है। कोई स्टेट बगैर पैशन के डिफेंड नहीं हो सकती, कोई स्टेट बगैर पैशन के बन नहीं सकती। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और ये पोलराइजेशंस जो हैं ये शायद इंसान की फितरत में है। एक पोलराइजेशन सोवियत यूनियन का, दो सुपर पावर्स का था, जिसके अंदर एक डॉक्ट्रिन आई, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हाउ नेगेटिवली इंसान कुछ चीज़ों पर तय कर लेता है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वॉज अ पॉलिसी कि जी अगर किसी ने, एक ने हमारे ऊपर 10 एटम बम गिरा दिए, तो हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम 20 उनके ऊपर फायर करें। पहली साइकिल पूरी होगी, फिर दूसरी साइकिल शुरू होगी, फिर तीसरी शुरू होगी, फिर चौथी शुरू होगी। 6 साइकिल्स हो सकती हैं, और इतना एटम बम लोगों ने प्रोड्यूस कर लिया कि मैनी टाइम्स ओवर द टोटल वर्ल्ड कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अच्छा, ये थिंक टैंक्स ने जन्म दी, ये बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों ने ये पॉलिसीज को फ्रेम किया, और द कंट्रीज बॉट इट। तो द हार्ड मनी अर्नड मनी ऑफ देयर पॉपुलेशन वेंट इन टू अक्यूमुलेटिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वी आर अगेन सीइंग अ पोलराइजेशन, बट ये या शायद इंसान की फितरत है। तो आई एम रिलेटिवली डिसअपॉइंटेड कि इसका फोबिया नहीं है तो इसका फोबिया है, ये फोबिया ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये है, और ये हमारे अंदर इतना मुंजमद है हमारे DNA के अंदर कि हम अपने घरों के अंदर भी इसी तरह से लव हेट फोबिया रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करते हैं, और यही हुआ। मगर इसको समझते समझते मैं समझता हूँ कि एक इंसानी फितरत के हवाले से दो अजीम नाम हैं, एक है इब्न खलदून, एक सोशियोलॉजिस्ट भी था, हिस्टोरियन भी था, और इब्न खलदून को आर्नल्ड टॉइनबी ने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छी नरेशन सोशियोलॉजी में और हिस्ट्री के अंदर नहीं,
और ये उसके 500 साल बाद समझ लो एक जर्मन था मैक्स वेबर, उसने तो इब्न खलदून का ओरिएंटेशन था कि ये ट्राइबल सोसाइटीज़ माशरे के अंदर जान डालती हैं, जब वो पहाड़ों से उतरती हैं या बद्दुओं से के ज़माने से निकलती हैं तो वो इनोवेशन के साथ आती हैं। जैसे इमिग्रेंट वाला नहीं कैफियत होती, माशरों के अंदर इंजेक्शन आता है एनर्जी का, तो इब्न खलदून का वो था। अब ज़माना ये आया पिछले 50 साल में कि ट्राइबल वर्ल्ड जो है वो ऐसी कैफियत है कि जोहला की सोसाइटी होगी, वो ऐसी कैफियत है कि पता नहीं कहीं आइसोलेटेड लोग हैं, वो ऐसी कैफियत है जो प्रोग्रेसिव नहीं है। अब वो बात रिवाइव हो रही है कि किसी ना किसी एतबार से, और मैक्स वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक और सारी रिलीजन्स बराबर और सारे लोग बराबर, तो वट एवर द फिलासफी वेदर इट इज़ इब्न खलदून और वेदर इट इज़ मैक्स वेबर, दुनिया को किसी ना किसी अंदाज से ऐसी तरफ जाना चाहिए कि जहाँ पर एक मोरालिटी वाली वेस्टेड इंटरेस्ट वाला ग्लोबल ऑर्डर नहीं, एक मोरालिटी वाला ग्लोबल ऑर्डर बनना चाहिए। आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद क्लब का जिक्र किया, तो मैं अपने प्रेसिडेंट साहब को ये कह रहा था कि मैंने कि आप लोगों की इससे ज़रूर होना चाहिए, मगर लेट मी टेल यू अ स्टेटमेंट आई एम मेकिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने एक आदमी की सिफारिश नहीं की, एक आदमी की, मिनिस्टर्स ने मुझको कहा, लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा, एक आदमी की, एंड आई चैलेंज द इस्लामाबाद क्लब कि वो बता दें कि मैंने कभी किसी की सिफारिश की हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि चाहे वो एलिटिस्ट क्लब हो इस्लामाबाद क्लब, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई मेरिट होना चाहिए फॉर सेलेक्शन ऑफ पीपल फॉर गिविंग आउट फॉर्म्स, और ये मैं उनको कहता रहा हूँ, वो मेरी बात टाल जाते हैं, मगर ये कि आई एम द पेट्रन, मगर उसके बावजूद मेरा ख्याल ये है वही बता सकते हैं कि मेरिट पर करते हैं या नहीं करते। तो एक तो ये, दूसरे आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की, इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात की, बिल्कुल सही की, और एक तो NITB के ने टेक्नोलॉजी की एस्टेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन इस्लामाबाद इटसेल्फ, यू कैन टेक हेल्प इन दैट एरिया, और ये कोशिश आपकी चाहे इस्लामाबाद की लिमिट्स में या इमीजिएटली आउटसाइड इंडस्ट्रियल एस्टेट होनी चाहिए जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो कि ज़मीन के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट चला जाए, यानी दोनों चीज़ें हो रही ना, ज़मीन के अंदर आप मुनाफा भी बना रहे हैं रियल एस्टेट वाले और सब, और एक तबके का नुकसान भी हो रहा है कि ज़मीन ही नहीं है कि हम इंडस्ट्री शुरू करें, तो ये एक तराजू के तौर पर हमें देखना चाहिए, मगर ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट करें। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे शायद आखिर में कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, मैंने आपसे कहा इंटेलेक्ट का ज़माना है, ह्यूमन रिसोर्स का फुकदान है, तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर अपने एरियाज़ के अंदर रिसर्च के एतबार से कोलैबोरेशन करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आइवरी टावर वाली इम्प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल रिसर्च अगर हो रही है तो आप लोगों पर डिपेंडेंसी है इस बात की कि यू टेक इंटरेस्ट इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इस्लामाबाद, दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यू टेक इंडस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है इस्लामाबाद के अंदर, आप उसमें इंटरेस्ट लें। मैंने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा, चार यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आर्किटेक्चर पढ़ाई जाती है, मैंने उनसे ये कहा कि यार ये जो इस्लामाबाद के बाज़ार हैं उनकी ओनरशिप लो, हैं डिसेबल्ड के लिए आसान बनाओ, हैं और डिसेबल्ड के लिए आसान बनाओ और उसकी ओनरशिप लेकर उसको ठीक करो यार एनवायरमेंटली, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि चारों यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा व सो एंथुजियास्टिक, सब ने प्लान्स बना लिए, और मैं CDA चेयरमैन को कहता हूँ कि करो, इम्प्लीमेंट करो, टॉयलेट्स बनाओ, बहुत कुछ बनाओ, एनवायरमेंट को हैंडल करो, बल्कि बच्चों ने अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर्स को ये कहा कि जी आप पैसे की फिक्र ना करें, हम हैंडल करेंगे, इस्लामाबाद चैम्बर इट्सेल्फ इज़ क्वाइट कोऑपरेटिव इन दिस। तो लिहाजा ये चीज़ें, ये जैसे आप अपने कारोबार पर जा रहे हैं ना और कूड़े के ढेर के पास से जा रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कूड़े के ढेर को ठीक करें। अब आप अपने कारोबार पर जा रहे हैं और साथ में आपको नज़र आ रहा है कि गुर्बत है और मुफलिसी है, तो यकीनन मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि कारोबार बंद कर ये करें, बल्कि ये ज़िम्मेदारी है कि कुछ अपना हिस्सा इसमें डालते जाए। तो लिहाजा
आफ्टर हैविंग सेट ऑल दिस, मैं आप लोगों की जिम्मेदारी इन सारी चीज़ों के एतबार से डाल रहा हूँ, इस वजह से कि आप जिम्मेदार हैं कौम को उठाने के। आप एक तरफ बैठ जाएं कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, दैट्स अ डिससर्विस टू पाकिस्तान, दैट्स अ डिससर्विस टू योर ओन सोसाइटी। यू हैव टू लिफ्ट दिस कंट्री, एंड हु बेटर देन द एलीट ऑफ पाकिस्तान। यू आर एन एक्सेप्शनल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अचीवर्स। अगर आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इसको? आप समझते हैं गरीब आदमी हर वक्त सड़क पर आकर जान देकर उठाएगा? नहीं, यू हैव टू लिफ्ट इट, यू हैव टू गाइड पीपल, है ना, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देयरफॉर आई हैव वेरी हाई होप्स अबाउट दिस कंट्री, फॉर दिस कंट्री, दैट दिस कंट्री कैन राइज इनटू अ कमिटी ऑफ नेशंस वेयर इट विल बी कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव पीसफुल कंट्री विच गिव्स ह्यूमन राइट्स। इस तरह से आप उठा सकते हैं, एंड दिस कैन हैपन विद इन अ स्पैन ऑफ अ डिकेड। आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट दिस कैन हैपन। लुक एट योर फेसेस, आई गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लीज डू इट। थैंक यू जनाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।